नायका अगले 5 साल बाद कितनी बड़ी होगी या होगी ही नहीं, दोनों रिस्क हैं। आपका एक सुपर सक्सेस ना आपकी 10 फेलियर्स को माफ कर देती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो, सेविंग अपने आप होने लगेगी, इतना मजा आएगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को सच में 10 साल के बच्चे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज है हमारे साथ में प्रांजल भाई, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज हम जानते हैं इनसे इन्वेस्टमेंट के बारे में, किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में, सब समझते हैं इनसे। तो पहले तो भाई थैंक यू सो मच साहिल फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। अभी एक बच्चा है जो हमको देख रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट सीखनी है, मान के चलते हैं उसने ABCD भी नहीं पता उसको इन्वेस्टमेंट की, तो उसको आइडियली कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए? अच्छी बात यह है ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमको ना हमेशा ये लगता है कि हमको अकाउंट्स आना चाहिए, कॉमर्स की समझ या मैथ्स की समझ होनी चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि कोई भी 10 साल का बच्चा ना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक US में सर्वे हुआ था जिसमें एक तरफ 10 साल के बच्चों ने स्टॉक्स पिक किए और दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने स्टॉक्स पिक किए। 5 साल बाद जब पोर्टफोलियो का रिटर्न कंपेयर किया गया तो बच्चों की पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया था। तो सिर्फ कहने की बात नहीं है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को सच में 10 साल के बच्चे आउट परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ना एट इट्स कोर इन्वेस्टिंग, जब मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहा हूं, और ये मैं आपको बताऊंगा कि मैं डायरेक्ट इक्विटी क्यों हर किसी को पिच करता हूं। डायरेक्ट इक्विटी का सिंपल मतलब है जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, जो प्रोडक्ट्स आपके दोस्त यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट्स में निवेश कर दो। ये इतना सिंपल है। अब इन्वेस्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप म्यूचुअल फंड में कर लो, गोल्ड में कर लो, लेकिन जब एक यंग इंसान है ना, स्टूडेंट है या फ्रेश जॉब में है, उसको जरूर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है स्टॉक मार्केट, आपका पैसा बढ़ता है कम होता है। अब यंगस्टर्स में ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी होती है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको इतना मजा आने लगता है कि आप ना थोड़ी पार्टी कम करोगे, थोड़ा महंगा पिज्जा कम खाओगे, तो रिटर्न कम आए ज्यादा है, जो पैसा बर्बाद होने वाला था वो बर्बाद होने के बदले इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट तो सबसे बड़ा है, और अल्टीमेटली धीरे धीरे आप सीख तो जाओगे। आज एक यंगस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सेव ना कर पाना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो, सेविंग अपने आप होने लगेगी, इतना मजा आएगा। ठीक है, और आइडियली क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? एक यंगस्टर है, अब दो टाइप के मान के चल रहे हैं, एक है जो कि पॉकेट मनी पे जी रहा है, घर से पैसा मिलता है, 5,000 रुपए मिलता है, वो पिज्जा विज्जा खाता है, तो वो कितना अमाउंट सेव करे, मतलब इन्वेस्ट करे? उतना अमाउंट जितना अगर वो पूरा डूब भी जाए तो आपकी जिंदगी में फर्क ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने घर वालों से ट्यूशन फीस ली वो यहां लगा दिया, उससे फिर आपकी जिंदगी में करियर में फर्क पड़ रहा है। क्योंकि शुरू में ना 1-2 साल आप जो भी पैसा लगाओगे, चाहे कितने भी समझदार हो, वो पैसा डूबना ही है। तो वो पैसा लगाओ जो डूबने से आपकी डेली लाइफ में फर्क ना पड़े। 5,000 है तो शायद 1-2 हजार रुपए ऐसे होंगे जो आप उड़ा देते हो 5,000 में से, तो वो लगाओ ताकि फर्क ना पड़े जिंदगी में। और शुरू करने का ना बहुत, जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, क्योंकि ना मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है, उन कंपनीज में निवेश करके जिसमें आपको मार्केट से ज्यादा पता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर दो, लेकिन मार्केट में एक एवरेज इंसान को जितना पता है उससे ज्यादा आपको पता है उस कंपनी के बारे में। वो कैसे पता होगा? या तो आपके घर में कोई उस कंपनी में एम्प्लॉई हो तो वो आपको कल्चर बताए, कॉम्पिटिटर के बारे में बताए, एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा, आप सालों से उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपने बीच में कॉम्पिटिटर्स का भी यूज किया, आपको पता है कि इसका बेटर है, आपके दोस्तों को भी कजिन्स को भी वही प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो एज अ कस्टमर आप मार्केट से ज्यादा जानते हो। और ये ना सिंपल है, अगर कोई मुंबई के दलाल स्ट्रीट में बैठा हुआ है उससे ज्यादा नायका के बारे में नायका के कस्टमर्स को पता है कि वो क्यों नायका से सामान खरीदती हैं, इसका जवाब सबसे ज्यादा उनके पास है, वो अमेज़न से क्यों नहीं खरीदती। तो हमको उन कंपनीज में निवेश करना है जिसमें हमारे पास एडवांटेज है, हमको उस कंपनी के बारे में एक एवरेज इंसान से ज्यादा पता है। एक बाइकर जिसको बाइकिंग का शौक है वो बता सकता है कि रॉयल एनफील्ड की क्रूजर बाइक क्यों बिकती है, बजाज की क्यों नहीं बिकती। हम और आप बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, असली रीजन वो बता सकता है क्योंकि वो ना हर संडे जाता है राइड पे अपने दोस्तों के साथ और उसको पता है कि क्या है रॉयल एनफील्ड का क्रेज, तो वो उसका शेयर ले। हम क्या करते हैं, पूरा उल्टा करते हैं। डॉक्टर है, आईटी स्टॉक लेगा, आईटी वाला मेडिकल स्टॉक लेगा, तो वहां गड़बड़ होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका कहना है कि हमको पहली चीज तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर कोई एक यंगस्टर है तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये हो रहा है कि आप डायरेक्टली आपको
पतंजलि अच्छा लग रहा है तो आपने उसका शेयर ले लिया, गूगल अच्छा लग रहा है, फेसबुक अच्छा लग रहा है, जो भी कंपनी अच्छी लग रही है आप उसका डायरेक्टली शेयर ले रहे हो, आप कुछ और तरीके नहीं चुन रहे हो। दूसरा आपने ये बताया कि जो कंपनी आपको खुद अच्छी लगती है जिनके आप प्रोडक्ट यूज करते हो आप उनको ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे एक और कैच है, क्योंकि मैं मार्केटर हूँ और बहुत सारे हमको मार्केटर देखते हैं, तो एक हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं सामने कंपनी की, क्योंकि अभी हम बात क्या कर रहे हैं, कंपनी अच्छी है, अच्छा प्रोडक्ट डजंट मीन कि वो कंपनी आने वाले टाइम में टिकेगी। करेक्ट। तो इसके लिए भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस होता होगा कि कैसे हम जज करें कि वो कंपनी असली में चल भी रही है या नहीं चल रही। मैं एग्जांपल के लिए मान के चलता हूं, मैंने अभी फेसबुक का ऑक्यूलस लिया, मेरे को मजा आ गया, मैं कहा भाई तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेटा मेटा चल रहा है, तो मैंने कहा भाई फ्यूचर इज मेटा, सब ऑक्यूलस में जाएगा, तो मैंने कहा फेसबुक में इन्वेस्ट करना एक सही ऑप्शन है। जैसे मैंने सोचा दूसरे दिन मार्केट क्रैश हो गई फेसबुक की, क्योंकि उनके वो रेवेन्यू रिजल्ट आए। तो अगर मैं अपने दिमाग से जाता तो मेरे को बहुत लॉस हो सकता था, तो इसके पीछे कोई साइंस भी होगी, तो साइंस क्या है? अब इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक बहुत सिंपल है कि बिल्कुल ऐसा होगा, हर किसी के साथ होगा, इनफैक्ट दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स का सक्सेस रेट भी 70% है। तो दुनिया भर की एनालिसिस के बाद भी बेस्ट इन्वेस्टर्स 3 बार गलत हो जाते हैं, 30% बार गलत हो जाते हैं। लेकिन फायदा क्या है ना कि आप गलत होना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर किसी शेयर में 100 रुपए लगाया है तो आपको मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है 100 रुपए, लेकिन मैक्सिमम फायदा कितना हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो 100 का शेयर 10 लाख भी हो सकता है, हुआ है ऐसा। तो आपका एक सुपर सक्सेस ना आपकी 10 फेलियर्स को माफ कर देती है। और दूसरा, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप एक शेयर में कभी निवेश नहीं करोगे, कम से कम आपके पास 10-15 शेयर्स का बास्केट होना चाहिए जिसमें से 4-5 शेयर खराब निकलेंगे। लेकिन अगर आप 15 बार ऐसी कंपनीज ढूंढ ढूंढ के यूज कर रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके आप कस्टमर हो या आपकी फैमिली वाले इंप्लॉइज हैं या किसी ना किसी तरीके से आपको उसके बारे में पता है, कुछ बार गलत होंगे लेकिन 50% से ज्यादा टाइम आप सक्सेसफुल होंगे, और वही आपका गोल है। अब वो जो फेलियर की चीजें हैं, चांसेस हैं, हम उसको और कम कैसे कर सकते हैं? बहुत मैं बेसिक से अभी शुरू करता हूं कि कंपनी पे कर्जा कम हो। एक जीरो डेट कंपनी बैंकक्रप्ट नहीं होती, बैंकक्रप्ट आप कर्जा लेके ही होते हो। तो कर्जा ना हो कंपनी पे। अक्सर ना हम हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि पेनी स्टॉक मिल रहा है 4 रुपए का, मेरे पास 4000 रुपए हैं, 1000 यूनिट आ जाएंगे, उस लालच में मैं ऐसी घिसी पिटी कंपनियां ले लेता हूं जिसपे खूब कर्जा है, जो बैंक को ब्याज नहीं दे पा रहा, जिसकी क्रेडिट रेटिंग खराब है। तो ये रिस्क मत लो, जाके देखो कि उस पर कर्जा जीरो हो, बहुत जरूरी है। ठीक। दूसरा, प्रमोटर जो उस कंपनी का ओनर है वो उस कंपनी के शेयर या तो उसके पास बहुत सारे ऑलरेडी हो या वो और खरीद रहा है क्या, ये बहुत अच्छा साइन है। पता चला आप उसके शेयर खरीद रहे हो और वही बेच रहा है अपनी कंपनी के शेयर। तो जिस कंपनी का मालिक को अपनी खुद की कंपनी पे भरोसा नहीं है, उस पे आप भरोसा क्यों कर रहे हो? तो ये दो बहुत सिंपल फिल्टर हैं। प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर या तो खरीद रहा हो या ऑलरेडी बहुत स्टेक हो और उसको बना के रख रहा हो, ये बहुत बड़ा साइन है। और राइट प्राइस को कैसे जज किया जाए? एक मैंने सुना है वो पी वाला सीन होता है, कुछ होता है, वो क्या है वो चीज, मतलब राइट टाइम क्या ढूंढूं मैं कि एक कंपनी मान के चलते जीरो डेट है, जो उसके प्रमोटर है उनके पास भी शेयर्स अच्छे खासे हैं, पर अभी वो ग्रो नहीं कर रही है, और हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, सबने शेयर लेने के चक्कर में उसकी डिमांड क्रिएट कर दी और उसका प्राइस अभी बहुत ज्यादा हो रखा है, तो वो कैसे जज करूं मैं? तो जो आपने बोला कि, और ये मैं बहुत जोर से मानता हूं बहुत अच्छे से, कि हर चीज का एक भाव होता है। अगर मुझे iPhone 13 20,000 में मिले तो बहुत अच्छा है, 2 लाख में मिले तो बहुत बुरा है। फोन सेम है, क्या भाव है उससे डिसाइड होता है वो अच्छा है कि बुरा है। अब यहां ना हमको ये सोचना है कि जैसे ही हम वैल्यूएशन की बात करते हैं एकदम से हमको एक्सेल याद आता है, वो कॉम्प्लिकेटेड MBA क्लासेस याद आती हैं, लेकिन हम जिंदगी में कोई भी और चीज ऐसे नहीं खरीदते। अगर आपको आईफोन खरीदना है तो आप पहले एक्सेल लेके नहीं बैठते कि 80,000 का है, 2 साल चलेगा, यानी 40,000 रुपए साल, यानी 3,000 रुपए महीना, वर्थ इट है कि नहीं, ये सब हम नहीं करते। हमारा दिमाग हमको ऐसे ही इंट्यूटिवली बता देता है ये लेना चाहिए कि नहीं। शेयर्स में ना प्रॉब्लम क्या है, हम शेयर को एकदम एक फिक्स्ड वैल्यूएशन पे लेना चाहते हैं, ये DCF कैलकुलेशन है, ये PE कैलकुलेशन, इसके हिसाब से आ रहा है 102 रुपए 50 पैसा, तो 102 रुपए 50 पैसा मैं खरीदूंगा। तो ऐसा आप कर नहीं सकते। अगर आपको शेयर खरीदने के लिए वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो शेयर सस्ता नहीं है, वो शेयर इतना सस्ता होना चाहिए कि वैल्यूएशन की जरूरत ही ना पड़े। अगर आईफोन मुझे लेटेस्ट 20,000 में मिलेगा मैं सोचूंगा नहीं। अब किसी को पता ही नहीं है कि उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है कंपनी की, आपको बताता हूं। तो इसको ना एक दो मैं आपको मॉडल देता हूं। एक बहुत सिंपल मॉड्यूल है जो मैं बहुत यूज करता हूं,
जैसे जब मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर लिया तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप था 2000 करोड़ के आसपास। अब मार्केट कैप क्या होता है, अगर मैं पूरी कंपनी खरीद लूं, उस कंपनी के सारे शेयर बाजार से उठा लूं, तो मुझे सारे शेयर खरीदने में कॉस्ट कितनी आएगी, ये मार्केट कैप होता है। यानी पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुझे 3000 करोड़ रुपए के आसपास मिल रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं आया हूं वॉलमार्ट, मैं आया हूं बिग बाजार 3000 करोड़ रुपए लेके। अब 3000 करोड़ रुपए में मुझे क्या क्या मिल रहा है, चलो ढूंढते हैं। तो 3000 करोड़ रुपए में मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिल रहा है। जैसे आज मैं ज्यादा देखता नहीं तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वैल्यूएशन होगा 10-12 हजार करोड़, मार्केट कैप 10-12 हजार करोड़ के आसपास। अब आप सोचो, और ये आंसर हम सबको तुरंत मिल जाएगा कि 10-12 हजार करोड़ में मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चाहिए या 1 लाख करोड़ में पॉलिसी बाजार। क्या पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से 10 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पे मिलना चाहिए? आपके दिमाग में भी आंसर आ गया, मेरे दिमाग में भी आंसर आ गया, सबके दिमाग में ये आंसर आ गया। बोल नहीं सकते नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैं तो चुनूंगा, बोल भी सकते हैं बट बढ़िया एग्जाम्पल है ये, एक मेथड है जो मैं फॉलो करता हूं और बहुत सिंपल है कि चलो बाजार में ढूंढने इस भाव में और क्या मिलता है। ये ऐसी बात है ना कि 50 रुपए किलो में स्ट्रॉबेरी भी मिल रही है, केला भी मिल रहा है, तो हम क्या खरीदेंगे? अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लेके चलूंगा, मेरी वाइफ का। मेरी वाइफ नाइका की बहुत ज्यादा यूजर है, तो उसको नाइका बहुत पसंद है। वो कहती है नाइका नाइका, जब आईपीओ निकला कहती मुझे नाइका चाहिए, मेरे को नाइका चाहिए। मेरा दिल नहीं माना, ऑल दो फिर उठा बहुत अच्छा रहा, सब कुछ रहा, पर मेरा दिल नहीं माना। तो मैंने कहा तेरी मर्जी, तेरे को जो करना है कर ले। उसने नहीं लिया, आज भी मुझे नाइका नाइका कहती है, क्योंकि हवा मार्केट ऐसी है नाइका की जो कि बहुत अच्छा है। पर अगर हम देखें कि वो पैसा नहीं कमा रही है कंपनी उतना ज़्यादा, टेक्निकल टर्म्स की अगर हम बात करके चले, तो शायद मेरे हिसाब से 2-3 करोड़ रुपये क्वार्टर कमाया बस। तो और आप कंपनी की जो मार्केट कैप की बात कर रहे हो, 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। अगर मैं एक कंपनी वही आपकी तरह मंडी में खरीदने के लिए गया हूं, जो कि 1 लाख करोड़ की है, वो मुझे कितना परसेंट ब्याज हो गया? 0.03% हो गया। बिल्कुल, इतना रिटर्न देगी तो मेरे लिए तो बेवकूफ़ी है वो। बिल्कुल, तो यहाँ पे कोई मैथ्स है, साइंस है, क्या है? आप जो बोल रहे हो वो लॉजिकली बहुत हद तक सही है, लेकिन यहाँ ना इसको ब्याज वाले तरीके से जब हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा फर्क ये है कि ब्याज जो डिसाइड हो गया वो उतना ही रहता है। होम लोन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन ब्याज आपको पता है कि भैया 10% मिलना है तो साल का 10% मिलना है। कंपनीज की अर्निंग बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। एक कंपनी जो पिछले साल 200 करोड़ का लॉस कर रही थी, इस साल 2000 करोड़ का प्रॉफिट भी कर सकती है। इसीलिए अगर मैं ये ब्याज वाले मॉड्यूल से जाऊंगा तो मैं मान रहा हूं कि जो आज की स्थिति है वो हमेशा रहेगी। मार्केट वो नहीं बोल रहा है, आपकी वाइफ ये नहीं बोल रही है। उनको लगता है कि नायका जैसी आज है वैसी नहीं रहेगी, उससे बेटर होगी। तो अगर हमको ये लगता है कि जो कंपनी हम ढूंढ रहे हैं वो आज से बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है, तो ये ब्याज वाला तरीका ठीक नहीं है। ब्याज वाला तरीका तब ठीक है अगर वो एक स्टेबल मैच्योर कंपनी है, जो हमको पता है कि पिछले 20 साल से 10% से हर साल ग्रो करती है, तो मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ, नहीं यार ये तो महंगी है। नायका अगले 5 साल बाद कितनी बड़ी होगी या होगी ही नहीं, दोनों रिस्क है। हम, मेरे को तो नहीं पता कि दोनों में से क्या सच है, लेकिन हो सकता है मैम को पता हो, वो ज्यादा यूज करती हैं, उनकी ग्रुप्स में उनके फ्रेंड्स यूज करते होंगे, वो अगर ये अंदाजा लगा सकती हैं कि आज की स्थिति में नायका आज से कितनी बड़ी होगी। जैसे अगर वो बोलती हैं कि मेरे को कंफर्म है कि नायका 5 साल बाद आज जो उसकी स्थिति है उससे 5 गुना बड़ी होगी, तो आप जो ब्याज वाला कैलकुलेशन कर रहे हो उसको 5 गुना करके करो। आप ये मान लो कि 2 करोड़ की इनकम नहीं है क्वार्टरली, 10 करोड़ की है। फिर भी मैथ खराब है फिर भी मैथ खराब है बिल्कुल, फिर भी मैथ खराब है, मैंने नहीं लिया बट हाँ फिर भी मैथ खराब। तो यही मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल जो स्टार्टअप अपने आईपीओ निकाल रहे हैं तो वो एक बबल ही है आपके हिसाब से? देखो मेरे हिसाब से तो स्टार्टअप क्या, आईपीओ एक बबल है। आप अगर लिस्ट हिस्ट्री उठा के देखो तो जब मार्केट अच्छा करता है तब आईपीओ आता है। और इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर मेरी जमीन है तो और मेरे को वो बेचनी है, मेरे को जरूरत है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं ना जो भी खरीदेगा उसको अच्छी से अच्छी वाजिब डील दूं, ये सोचूंगा? या मैं सोचूंगा जितना पैसा इस जमीन का ले सकूं, 1 करोड़ वैल्यू है ना, कोई बकरा मिल जाए जिसको 2 करोड़ में चिपका दूं। एज अ सेलर मैं यही सोचूंगा। जिन लोगों ने जैसे नायका के केस में 10 साल उन्होंने मेहनत से उस कंपनी को बनाया, इसलिए नहीं कि वो आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप दे दें सस्ते में, कोई भी नहीं करेगा। वो चाहती हैं कि जब वो अपने शेयर किसी को दें तो उसके बदले उनको ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले। यानी और
आईपीओ में प्राइस हम नहीं डिसाइड कर रहे, शेयर मार्केट में तो बायर सेलर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, आईपीओ में प्राइस डिसाइड कर रहा है फाउंडर और मर्चेंट बैंकर, दोनों हमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत चालाक ग्रुप ऑफ पीपल आम रिटेल इन्वेस्टर को कुछ बेच रहा है। अब आप सोच लो किस दाम पे और क्या करने के लिए बेच रहा है। तो आईपीओ ही बाय डिजाइन बाय डिफॉल्ट रिटेल इन्वेस्टर के खिलाफ है। पर मतलब आपका ये एक तरह से ये कहना है कि हमको आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये बहती नाव में हाथ नहीं धोने चाहिए ये। और ना आप पिछला कुछ उठा के देखोगे, वो तो पेटीएम ने फिर से बैलेंस ले आया, वरना उसके पहले ऐसा लगता था कि 90% आईपीओ अच्छा करते हैं, और आईपीओ एक तरीका है लिस्टिंग गेन करने का। लेकिन अगर मैं 10 साल का डेटा उठा के देखूं तो 65-70% आईपीओ लिस्टिंग डे में लॉस में खुलते हैं। और उसका ये लॉजिकल रीजनिंग है कि खुलने भी लॉस में चाहिए, हमेशा महंगे होंगे लॉजिकली। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आजकल स्टार्टअप्स में क्या चल रहा है, मेरे पास में एक 10 रुपए की चीज थी, मैंने शुरू किया काम, मैं आपके पास गया, मैं भाई आपके पास बहुत पैसा है, आओ मुझे थोड़ा सा पैसा दो, पैसा लगा के 10 की चीज 20 तक ले जाएंगे। आपका पैसा आया, 10 रुपए आपने मेरे को दिए, वो 10 रुपए जला के मैंने 10 रुपए के 50 रुपए का रेवेन्यू ले आया। फिर अब एक और दो आपके दोस्त के पास गए, उससे पैसा लेके आए, उसको कहा भाई देख 10 दिए थे, देख कितना गुना कर दिया हमने कंपनी, उससे कुछ पैसा लिया, फिर कंपनी और बढ़ा दी, ऐसे कर करके रेवेन्यू बढ़ रहा है। इस पे ना मैंने एक रील बनाई थी कि आजकल के स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या है, कि कटोरा लेके हर घर में जाओ और उनको बोलो आप मुझे 1 रुपए दो। अब 100 करोड़ लोग से ज्यादा तो इंडिया में ही है, सबसे आपने 1-1 रुपए लिया, क्यों लिया? आप उनको बोलो कि 1-1 रुपए दो, इस कटोरे में डालो, बदले में आपको 10 रुपए कैशबैक दूंगा। अब वो तो कर देंगे, 1 के बदले 10 मिल रहा है। अब साल के अंत में क्या दिखेगा कि 100 करोड़ का रेवेन्यू आ गया और 1000 करोड़ का मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, तो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, कैश बर्न हो रहा है। सही बात है, 1 के बदले 10 सबको देते रहो, रेवेन्यू लाते रहो, फिर नंबर आ गया, तो उसके बाद में आईपीओ निकाल दिया, आईपीओ में ही उस रेट पे हमने बेच दिया। और हम बहुत सारे देख रहे हैं ऑफर फॉर सेल हो रहे हैं आईपीओ के अंदर, बहुत सारे फाउंडर्स अपनी इक्विटी निकाल के निकल रहे हैं बस। तो आप इसके खिलाफ हो? बिल्कुल। स्टार्टअप बबल मतलब आपके हिसाब से वैल्यूएशन कैसे निकालनी चाहिए? मैं ये बोलता हूं कि आज इंडिया में 4,500 कंपनियां स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी हैं। एक आम निवेशक 100-150 कंपनियों के ऊपर पढ़ ही नहीं पाता। मुझे 10 साल हो गया मार्केट में, मैं आज भी 200-250 कंपनियों के ऊपर जानता नहीं हूं कि वो क्या करती है। तो मेरे को जब भी मैं आईपीओ में निवेश करूं, मेरे को खुद को ये पूछना है, ये कल की आई हुई कंपनी जो आज लिस्ट हो रही है, ये पहले से जो 4,500 कंपनियां हैं उनसे बेटर कैसे हो गई? अगर सिर्फ ये फिल्टर मैं अपने दिमाग में रखूंगा ना, तो मैं 100 में से 1, मैं जिंदगी में 1 आईपीओ में अप्लाई कर पाया CDSL, जो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती थी, मिला नहीं था मुझे, बट क्योंकि यही फिल्टर है, 4,500 ऑप्शंस मेरे पास पहले से हैं, बस क्योंकि आईपीओ आ रहा है तो पीआर हो गया, 100 चैनल्स ने कुछ बोल दिया, टीवी में कुछ बोल दिया, तो हमको दिखता वही है। लेकिन वो सबसे अच्छा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहले की कंपनियां तो पहले ले लो। मैं इन्वेस्टमेंट में फिर से आ रहा हूँ। अभी आपने मेरे को बोला कि एक बच्चा है, वही वो 5,000 रुपए मिलते हैं, उसको 3,000 सेव करने हैं। अब आपने कहा जोन सी कंपनी अच्छी लगती है, जिसको भी आप फॉलो करते हो आप ले सकते हो। उसके बाद जियो का फोन था, उसने कहा जियो अच्छी है, ऐसे उसने 1-2,000 रुपए का मान के चलते, रिलायंस का शेयर है उसने ले लिया, एक ही शेयर आया। अभी आपने कह रहे हो डायरेक्ट लेना है मेरे को, तो उसके बाद एक ही शेयर आया। अभी आपने मेरे को कहा कि एटलीस्ट उसको 5 से 10 पोर्टफोलियो बांटने हैं, तो वो यहाँ पे क्या करे? अब इस पे हमको ये देखना है ना कि MRF है, वो 70,000 रुपए का एक शेयर है, जियो रिलायंस का जो शेयर है वो 2,000 रुपए का है। अनफॉर्चुनेटली भारत में फ्रैक्शनल शेयर अलाउड नहीं है, US में तो ये अलाउड है। तो क्या जल्दी है ना, आपको ऐसा नहीं है कि डे 1 पे डाइवर्सिफिकेशन करना है, आप 4 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो। 1,000 रुपए के शेयर आज भी भारत में बहुत नहीं है, तो ज्यादातर शेयर जो आप ढूंढोगे वो 100 से 1,000 के बीच में ही होंगे। तो 6 महीने में नहीं, 4 महीने में, 8 महीने में आपका वो 10-15 शेयर का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। पहले ही महीने करना है ऐसा जरूरी नहीं है। और म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल, अगर मैं आपको रिटर्न वाइज रिटर्न कंपेयर करूं तो एक म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बराबर या कई केसेस में उससे ज्यादा रिटर्न ले आता है। प्योरली अगर मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात करूं, म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छा है, करना चाहिए। ठीक है, फ्लिप साइड ये है कि आपको वो इतना बोरिंग लगेगा एक यंग इंसान को कि वो डिसिप्लिन से इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, वो सेव ही नहीं करेगा।
वो होगा डायरेक्ट इक्विटी में। ठीक है, अगर मैं एडिशनल फंड्स आप किसमें डिप्लॉय कर पाओगे वो डायरेक्ट इक्विटी में हो पाएगा, जिसके कारण आपका ओवरऑल रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, वो ऑलरेडी हर महीने एफडी में डाल रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट में डाल रहा है, उसको पता है वो वेस्ट नहीं करेगा पैसे और उसको टाइम नहीं लगाना, उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें? तो म्यूचुअल फंड मैं आपको बोलूंगा, देखो म्यूचुअल फंड में ना आप एक फंड मैनेजर पे भरोसा कर रहे हो कि मेरे लिए डिसीजन मेकिंग वो फंड मैनेजर करेगा। अब दो प्रॉब्लम है, सेबी ने ना 2 साल पहले रीक्लासिफिकेशन कर दिया जिसमें लार्ज कैप फंड डिफाइन हो गए, मिड कैप स्मॉल कैप फंड डिफाइन हो गए। अब लार्ज कैप फंड क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप कंपनी है। अब एक फंड में रफली 30-40 स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स होंगी 50, यानी वो 50 स्कीम्स 50 फंड मैनेजर्स को उन्हीं 100 में से 40 स्टॉक्स उठाने हैं, तो कोई अपना स्किल क्या ही दिखा लेगा? वो सारे स्टॉक्स या तो ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, उसमें मेरे को कोई हिडन जेम नहीं मिलने वाला। तो और वो मेरा पैसा भी ले रहा है, बढ़िया मैनेजमेंट फीस भी ले रहा है, कर कुछ नहीं रहा क्योंकि वो 100 स्टॉक तो सेबी ने बता दिया, इसी में से ढूंढना है। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दे रहा हूं और वो मेरे से मैनेजमेंट फीस ले रहे हैं, तो मेरे को एक ऐसी कैटेगरी चुननी है जिसमें फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम तो हो कि वो जो चाहे वो शेयर 4,500 शेयर्स में से सिलेक्ट कर सके। वो फ्रीडम कहाँ है? फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में। तो पहले तो आपकी कैटेगरी डिसाइड हो गई कि 90% लोगों को अपना एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में ही रखना चाहिए यंगस्टर्स को। मल्टी कैप मतलब तीनों कैप्स के अंदर, छोटी कंपनी, बड़ी, मीडियम साइज की कंपनी, बड़ी, जो मार्केट में। फ्लेक्सी में 40-30-30 का रेशियो है। मल्टी कैप आजकल ऐसा हो गया है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और बाकी 25% कुछ भी। फ्लेक्सी में है कि जो करना है उसे करे। ठीक, फ्लेक्सी में कोई ऐसे लिमिट डिसाइड नहीं हुई है, तो फ्लेक्सी में और फ्लेक्सिबिलिटी है। उसका नाम फ्लेक्सी इसलिए कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सबसे अच्छी कैटेगरी वही है। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को उसमें जाना चाहिए। उसमें मेरा फेवरेट फंड है पराग पारेक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। मैं 4 साल से लोगों को वो बताता आ रहा हूं, बहुत ही, क्योंकि ना आप फंड मैनेजर जो है वो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है, तो आपको फंड का, फंड के पास स्टॉक्स कौन से हैं ये नहीं देखना, क्योंकि अगर आप उनके स्टॉक्स जज कर सकते हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, आप वो नहीं कर सकते। पास्ट रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो जाते हैं क्योंकि कभी कोई मैंने थीम पे बेट किया, वो थीम नहीं चली या बहुत ज्यादा चल गई। मेरा मेन एम है कि इस फंड को जो मैनेज कर रहा है उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो अगर किसी पहले स्कीम में थे, 10 साल मैनेज किया, तो उस स्कीम को कैसे मैनेज किया। तो मेरा मेजर ध्यान जाता है वो फंड मैनेजर टीम में, जो फंड मैनेजर्स हैं उनका खोल के लिंक्डइन पढ़ो, फिर वो किस फंड में थे उसका रिकॉर्ड देखो, फंड मैनेजर का एक्सरे कर लो। ठीक है, तो इस कारण से मुझे पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बहुत पसंद है। ठीक है, तो जो आप एक्सपेंस कह रहे हो, एक्सपेंस क्या है होता है बेसिकली? म्यूचुअल फंड्स क्या है, उन्होंने कई 100 लोगों से, 1,000 लोगों से, लाखों लोगों से, जिनको भी उस स्कीम में निवेश करना है उनसे 500, 2,000, 1,000 जितना भी करना है वो इकट्ठा कर लिया। अब वो इकट्ठा करके वो उस पैसे को कैसे लगाएं, इसके लिए एक रिसर्च टीम बैठा रहे हैं जो दिन रात स्टॉक्स ढूंढ रही है, मैनेजमेंट से बात कर रही है, उसके बाद वो रोज अपना NAV डिस्क्लोज कर रही है, आपका KYC कर रही है, आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स सब आपके मैनेज कर रही है। तो बहुत सारे खर्चे हैं, पैसा भी कमाना है, ये सब क्यों कर रही है। तो अगर आप 100 रुपए देते हो किसी फंड को हर महीने कि ये लो मेरे 100 रुपए ये मार्केट में लगाओ, तो रफली 80 पैसे से 1 रुपए के बीच वो रख लेते हैं, 1% से थोड़ा कम वो रख लेते हैं जो उनकी कमाई है, जिससे वो अपने खर्चे निकालते हैं, बाकी 99 रुपए आपका मार्केट में लगता है, तो वो 1 रुपए एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये मतलब नॉर्मली 1% के आसपास रहता है, 1 से कम ही होगा। अच्छा, आइडियली 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं 2 फंड मैनेजर्स है, दोनों को इक्वल एक्सपीरियंस है, दोनों का पोर्टफोलियो भी लगभग मैं कह के चलता हूँ सेम चल रहा है, एक एक्सपेंस रेशियो ले रहा है 30 पैसे का, एक ले रहा है 40 पैसे का, तो यहाँ पे भी कच्चा लालच करना चाहिए। अब ना जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, वहां 4,500 कंपनियां हैं, तो उसमें वो 30-40 कंपनियां सिमिलर हो जाए ऐसा होता हुआ मैंने नहीं देखा है, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिवर्स है, तो बहुत ज्यादा ऐसा हो नहीं पाता। इतना छोटा डिफरेंस है तो मत फर्क करिए। अगर हाँ कोई 0.5% ले रहा है, कोई 1% ले रहा है, तो सीधा सीधा आपका 0.5% का रिटर्न तो एडिशनल आ ही रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। और अभी आप कैटेगरी के ऊपर बैठ कर रहे थे, तो स्मॉल केस वाला सीन चल रहा है? नहीं, तो स्मॉल केस जो करता है वो थीम्स में इन्वेस्ट। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर थीम में मैंने आइडियली ईवी इंडस्ट्री पे बैट करना चाहता हूँ, तो स्मॉल केस टाइप कर दिया, तो म्यूचुअल फंड वर्सेस स्मॉल केस।
म्यूचुअल फंड्स बिना सोचे। अच्छा हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप थीम्स म्यूचुअल फंड के जरिए प्ले नहीं कर सकते। जैसे टाटा का एक डिजिटल इंडिया फंड है, वो जो डिजिटल इकोनॉमी से जो कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है उसमें इन्वेस्ट करता है। तो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स म्यूचुअल फंड्स में भी आते हैं, ज्यादा रेगुलेटेड है और उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्ड है। स्मॉल केस इज एल्गो बास्केट कि चार उसमें फॉर्मूला लगाए, उसमें जो स्टॉक्स आए वो आपको दे दिया। इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, वो आपको एडवाइस दे ही नहीं रहा है। वो कौन सी कंपनीज उस इंडस्ट्री में एक्सपोजर है उन कंपनीज का, उसका बास्केट बना के आपको दे रहा है। म्यूचुअल फंड्स एक 40 साल पुराना प्रोडक्ट है, 30 साल पहले वो प्राइवेटाइज हो चुका है, डायरेक्टली रेगुलेटेड है, बहुत मैच्योर रेगुलेशंस हैं, इंडिया के बेस्ट माइंड्स फंड मैनेजर बनके वहां काम कर रहे हैं। स्मॉल केस मेरे लिए भी बहुत नया है, वो एक प्राइवेट प्रोडक्ट है, एक कैटेगरी भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर कैटेगरीज, आपके पास 50 लोगों के म्यूचुअल फंड लेने का ऑप्शन है। स्मॉल केस एक प्राइवेट प्लेयर का एक प्रोडक्ट है, एल्गो बेस्ड है, बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व नहीं है। डेफिनेटली उसके कुछ यूज केसेस हैं कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी का एक्सपोजर चाहते हो, एक थीम में बेट करना चाहते हो, एक क्लिक में आपके पास 10 शेयर आ गए, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। तो स्मॉल केस में ईज है, म्यूचुअल फंड में एक्सपर्टीज है, ईज चाहिए कि एक्सपर्टीज। तो बेसिकली आपने ये बोला कि पहली बात तो अगर आपको डिसिप्लिन है आपके अंदर तो आइडियली आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। डिसिप्लिन है, और अगर डायरेक्ट इक्विटी का बिल्कुल मन नहीं है, फाइनेंस से चिड़ है कि मुझे नहीं करना, कोई नॉलेज ही नहीं है, हाँ, और ना नॉलेज लाने की इच्छा है, तो आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने म्यूचुअल फंड लेना है, और म्यूचुअल फंड देखना कैसे है? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि वो फ्लेक्सी कैप हो, दूसरा हमको फंड मैनेजर देखना है, ये प्रायोरिटी वाइज बात कर रहा हूँ मैं। अगर अच्छा है फंड मैनेजर, उसका अच्छा लग रहा है मुझे बैकग्राउंड, तो मैं उसको प्रायोरिटी रखूंगा। तीसरा फिर एक्सपेंस रेशियो देखना है, इस ऑर्डर में चलना है। तो अगर फंड मैनेजर बहुत अच्छा है और वो रिलेटिवली ज्यादा भी ले रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर फंड मैनेजर बेकार है और वो बहुत ही कम ले रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं अभी वॉर के आसार से लग रहे थे, अब मार्केट क्रैश करी, तो मार्केट क्रैश करेगी, इक्विटी मार्केट से बचने के लिए एक और ऑप्शन लोग कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उस पे आपका क्या व्यू है? तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कहा जाता है कि वॉरेन बफेट ही कहते हैं कि ये है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये न्यूक्लियर वेपन जितने खतरनाक है। तो जो हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना कि उसने तो स्टॉक मार्केट में पैसा डुबो दिया, मुझे वो मुन्ना भाई का एक सीन याद आता है कि मैंने पापा के पैसे स्टॉक मार्केट में डुबो दिए, वो सब कहां होता है? वो एफएंडओ में होता है। क्योंकि एफएंडओ में ना आप लेवरेज पे काम करते हो, आपके पास 10 रुपए हैं, आपने ब्रोकर से लेके 90 रुपए और लगा दिए, आपके 100 रुपए लगे हुए हैं, और दूसरा आपका भविष्य डिसाइड होगा कि अगले एक महीने में क्या होता है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेते हो, एक तो आप लेवरेज नहीं कर रहे, दूसरा मैंने सोचा था कोई शेयर 6 महीने में बढ़ेगा, वो साल भर में बढ़ता है, तो क्या है? जमीन जैसे पड़ा हुआ है। कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता तूने 6 महीने में बोला था ना अब इसको बेच, मैं जब चाहूंगा तब बेचूंगा। तो टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, एफएंडओ में टाइम का भी लिमिटेशन है और लेवरेज भी है, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप, क्योंकि शेयर मार्केट मेरे लिए है बिजनेसेस को ढूंढना और उनमें निवेश करना, शार्क टैंक जैसे। हम स्टॉक मार्केट में हम सब शार्क्स हैं, हम लोग ना हमेशा सोचते हैं जब शार्क टैंक देखते हैं काश मैं वहां बैठा होता, है ना। आप सोचो स्टॉक मार्केट में 5,000 कंपनियां है ना, वो 5,000 कंपनियों का कॉन कॉल होता है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, एनुअल रिजल्ट आता है, वो चारों चीजें क्या है? पिच ही तो है। 5,000 कंपनियां हर 3 महीने में आपको पिच करती हैं कि हमको खरीदो, और आप 1 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में उनको खरीद सकते हो, लेकिन हम ये करते ही नहीं। हमको एफएंडओ करना है, इंट्राडे करना है, हमको शार्क नहीं बनना है। शार्क नहीं बनेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? अभी आपने 3-4 रिपोर्ट्स के बारे में बात करी, थोड़ा सा बताओगे उसके बारे में? तो एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो साल में एक बार, इसलिए एनुअल है, जिसमें साल भर में कंपनी ने क्या क्या किया, कितना मुनाफा कमाया, कहां से पैसा आया, कहां खर्चा हुआ, उस पे कितने केसेस हुए, उसका मैनेजमेंट कितनी सैलरी ले रहा है, कितने एम्प्लॉयज हैं, ब्रांच हैं, हर वो डिटेल लगभग जो आपको जरूरत है वो उसमें मिलती है। तो एनुअल रिपोर्ट तो पढ़ना ही है। दूसरा आता है क्वार्टरली, कि हर 3 महीने में इस क्वार्टर हमने कितना कमाया, कितना खर्चा हुआ, वो थोड़ा छोटा वर्जन होता है, उसमें एनुअल रिपोर्ट जितनी डिटेल नहीं होती क्योंकि टाइम पीरियड छोटा है। उसके बाद आता है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वो आपको पीपीटी से समझाते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर प्रेजेंट, हमारा आज बिजनेस मॉडल ये है, बेसिकली उसमें क्वालिटेटिव डेटा होता है जो
क्वार्टरली रिजल्ट होता है उसमें बैलेंस शीट, पी एंड एल होता है, नंबर्स होते हैं. इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बिजनेस मॉडल आपको समझाते हैं वो. कॉन कॉल में वो लोग मीडिया पर्सन से, जर्नलिस्ट से, टीवी वालों से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से फोन पे बात करते हैं और वो फोन की बातचीत जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट पब्लिश होती है कि लोगों ने क्या सवाल पूछा. तो हो सकता है आपके मन में कोई सवाल हो, वो कोई ना कोई एक्सपर्ट पूछ ही लेगा, वो भी आंसर हो जाएगा. तो लोगों के क्या डाउट्स हैं उसका जवाब मैनेजमेंट देता है. इससे बेसिकली एक तरह का एक लेवल और चेक हो गया कंपनी के ऊपर. बिल्कुल. तो मेरे को अच्छी लगती थी नायका, मेरी वाइफ को. हाँ. उसका डेटा आया, मैंने कहा पढ़ ले. हाँ. अगर अच्छा लगे तो देख लियो. और ना बहुत समझ में आता है क्योंकि मैनेजमेंट बात कैसे कर रहा है, जवाब कैसे दे रहा है, एरोगेंट तो नहीं है. हो सकता है 6 महीने पहले कुछ और बोला, अब उसी सवाल का जवाब कुछ और दे रहा है, तो घुमा तो नहीं रहा, फोकस है कि नहीं. बहुत कुछ सीखने को. कॉन कॉल में कुछ सेटिंग भी होती है क्या, या फिर ये सेबी रेगुलेटेड होती है? नहीं, कॉन कॉल ऐसे, और कॉन कॉल कंपलसरी भी नहीं है. इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन कॉल कंपलसरी नहीं है. क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट कंपलसरी है. कॉन कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कंपनीज करती है ताकि ज्यादा एनालिस्ट उनको ट्रैक करे उस कंपनी को और अपने क्लाइंट्स को वो शेयर खरीदने के लिए बोले. तो एक तरह से अपने शेयर को पॉपुलर करने के लिए कॉन कॉल्स और ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस की जाती हैं. लेकिन इसलिए ये रेगुलेटेड नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है. तो जिसको जो पूछना है वो पूछे. तो क्वेश्चन अपने भी सेट करवा सकते हैं. जैसे रिलायंस है तो रिलायंस पहले ही बोल दे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है फ्यूचर ऑफ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी आग लगा सकता है. तो आपके क्या व्यू है? मुकेश अंबानी कह रहे हाँ घुस रहे हैं, बस हो गया शुरू हमारा काम. अब ऐसा होता है कि नहीं, मैं रायपुर में बैठता हूँ तो मैं ना थैंकफुली ये मीडिया प्रैक्टिसेस से बड़ा दूर हूँ. तो होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे हो उससे लॉजिकली ऐसा लगता है कि हो सकता है. और पता है अगर कुछ हो सकता है ना तो वो होता जरूर है. तो ये कहूंगा मैं तो. अभी एक और सेक्शन बच गया हमारा इन्वेस्टमेंट का, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्रिप्टो. क्या व्यू है आपका? आया निकल गया एकदम आपका. अब देखो, क्रिप्टो को ना, पूरे क्रिप्टो को एक रंग में रंगना गलत होगा. क्योंकि अब क्रिप्टो के भी बहुत प्रकार हो गए हैं. हम क्रिप्टो को समझते हैं बिटकॉइन या इथेरियम, लेकिन क्रिप्टो में अब बहुत सेफ से लेके बहुत रिस्की तक के एसेट क्लासेस आ गए हैं. जैसे मैं आपको बोलूं कि USDT, ईदर जिसको बोलते हैं, तो वो क्या है, वो एक स्टेबल कॉइन है. यानी एक USD उन्होंने खरीदा, उसके बदले एक वो USDT इशू किया, और जितने कॉइन इशू किए उतना USD खरीदते गए. तो अब जैसे जैसे डॉलर ऊपर नीचे होगा वैसे वैसे वो कॉइन ऊपर नीचे होगा. तो उसमें रिस्क कितना है, करेंसी जितना रिस्क है, US करेंसी जितना. तो वो एक नॉर्मल क्रिप्टो से काफी सेफ हो गया. कई ऐसे क्रिप्टो हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट पेग्ड है. 1 किलो गोल्ड लिया, उतने के कॉइन्स निकाल दिए उसको, 1-1 ग्राम के डिनोमिनेशंस में. वो गोल्ड जितने रिस्की है. तो हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्रिप्टो मतलब बहुत रिस्की, कई लोग ये सोचते हैं. अब ये बोल पाना गलत है. अलग अलग कैटेगरीज हैं. इसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो हम नॉर्मली क्रिप्टो को समझते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, इसमें ना एक मेजर इशू मुझे लगता है कि बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है. इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब, जैसे आपने शुरू में बात किया नायका को वैल्यू करने का ब्याज से. हम कई चीज को बोलते हैं आज इतना लग रहा है, इतना ब्याज आएगा, 5 साल में पैसा रिकवर लगा देते हैं. फिर हम कभी FD से कंपेयर करते हैं कि FD में 10 साल में पैसा डबल हो रहा है, इसमें 5 साल में चलो लगा देते हैं. कंपनीज जो है वो मुनाफा कमाती है, तो मैं बोलता हूँ 100 रुपए की शेयर है, 1 शेयर पे 10 रुपए कमाती है, 10 रुपए में 10 साल में शेयर फ्री, अगर 10 रुपए की भी अर्निंग हुई तो. बिटकॉइन ना की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसको कोई कंपनी ओन नहीं करती जो बिटकॉइन पे जो मुनाफा हो रहा है उसका रिटर्न मुझे कुछ दे दे. तो बिटकॉइन की फेयर वैल्यू क्या है ये निकाल पाना लगभग असंभव है. मैंने कई सारे क्रिप्टो ऐप के फाउंडर से भी इंटरव्यू लिया और मैंने उनसे पहला सवाल यही पूछता हूँ, क्रिप्टो का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है. मुझे कभी भी अच्छा आंसर नहीं मिला, क्योंकि है ही नहीं. और लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या आएगा कि क्रिप्टो इज रेयर, मतलब बिटकॉइन इज रेयर. बिटकॉइन की क्वांटिटी 21 मिलियन है, रिस्ट्रिक्टेड है. तो वो गोल्ड जैसा है. गोल्ड की भी वैल्यू इसलिए है कि गोल्ड रेयर है. अगर गोल्ड भी पानी जैसा बहने लगे तो पानी के भाव हो जाएगा. अब ना गोल्ड और क्रिप्टो में एक मेजर फर्क है. गोल्ड ने ये एस्टैब्लिश किया है कि पिछले 5,000 सालों में पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में गोल्ड को कोई रिप्लेस नहीं कर सका. वो एक स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू है. जिस दिन बिटकॉइन ये साबित कर दे कि अगले 100 साल उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उस दिन
इररिप्लेसिबिलिटी बिटकॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। लेकिन आज कोई भी ये कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि 5 साल बाद बिटकॉइन बड़ा होगा कि इथेरियम बड़ा होगा कि पॉली बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, कोई नहीं बोल सकता। तब तक उसके रेयर होने की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि रेयर तो ना वो जो समुद्र में आपको अलग अलग आकृति के पत्थर मिलते हैं, वो हर डिजाइन बड़ा यूनिक है, तो उसको क्या बेचने लग जाए, है तो पत्थर ही। तो जब तक ये है कि ये इररिप्लेसिबल है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब आप क्रिप्टो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करते? नहीं। तो ये अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर मेरे 100 रुपए लगे हैं, और मेरे को लगता है ये सबको करना चाहिए, 2-4 रुपए से ना उसमें से up to 5% आपकी पोर्टफोलियो से मैं मानता हूं वो आप गैम्बलिंग मनी रख सकते हो। 95% से मैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करूंगा, 5% से मैं लॉटरी टिकट खरीदूंगा, वो डूब भी गए तो कोई फर्क नहीं। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा ओपिनियन अबाउट बिटकॉइन ही सही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं कई बार गलत हुआ हूं, गलत हो सकता हूं। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपनी नेटवर्थ का 1.5% मैंने क्रिप्टो में डाला हुआ है। कम इसलिए डाला है कि मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन सही है, क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है। मुझे लगता है कि 1% चांस है कि मैं गलत हो सकता हूं, तो वो 1% एलोकेशन मैंने क्रिप्टो में कर दिया है अपने गलत होने को कंपनसेट करने के लिए। बढ़ता है तो बढ़ जाए, जीरो होता है तो हो जाए, मुझे दोनों। इसमें भी आप कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो एक कॉइन के ऊपर? हाँ? या फिर आजकल इसमें इंडेक्स फंड वाला सीन भी आ गया? इंडेक्स फंड पे वैसे आपका क्या व्यू है? अगर आप अगेन कैटेगरी, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन वो यंगस्टर्स के लिए नहीं है, लार्ज कैप है समवन हू इज अबव 45 जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, तो उनको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, वही कैटेगरी लिमिटेड है, 100 ही स्टॉक्स हैं, तो जरूर आपको इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। वो 1% के बदले आपकी फीस ना 0.1 हो जाएगी, 0.7-0.8% आपने वहीं बचा लिया। तो अगर लार्ज कैप में जाना है, रिस्क एपेटाइट कम है, इंडेक्स फंड लेना चाहिए। अब एज के हिसाब से चलते हैं, अभी एक बच्चा है 18 साल का 19 साल का, कम पॉकेट मनी है, क्या रेशियो रहना चाहिए? एक सिंपल रूल है, 100 - एज रूल। ठीक है, तो अगर कोई 20 साल का है तो 100 - 20 = 80, 80% वो डायरेक्ट इक्विटी में लगा दे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट इक्विटी में, 20% से वो FD कर दे, गोल्ड कर दे, जो करना है करे। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती, और सट्टा मनी, गैम्बलिंग मनी, सट्टा वाला आप 5% रखिए थ्रू आउट, नहीं 45-50 साल तक, क्योंकि ना 45-50 साल की उम्र के बाद क्या होता है, आपके पास फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं होते। आप अगले शायद 5-10 साल ही कमाओगे, और आपके बैकएंड कैश फ्लोज बहुत होते हैं, आपने पिछले 30 साल कमाई की है, फिर 5% मत लगाओ, क्योंकि अब आपके पास भविष्य में पैसा आने वाला नहीं है, आपको तो इसी को सहेज के रखना है। 45 साल की उम्र तक आप 5% गैम्बलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 10-15 साल की इनकम और है फ्यूचर। या यंग है तो ज्यादा पैसा गैम्बलिंग करो, ज्यादा कैसीनो जाओगे तो लत लग जाएगी, तो ज्यादा नहीं, 5% के ऊपर नहीं, क्योंकि फिर वो डूबेगा ना, तो आपका 95% वाला रिटर्न भी हैम्पर होने लगेगा। अगर आपने 80% अच्छे से किया, 20% गैम्बल कर दिया, तो फिर वो 80% कितने भी अच्छे से करो, उसकी सारी मेहनत तो 20% रिकवर करने में लग जाएगी। तो इतना ज्यादा नहीं, 5% के आसपास करिए, उससे ज्यादा नहीं। और ये कुछ एक और मैंने सुना था 50-30-20, ये क्या है? सो 50-30-20 में क्या होता है कि आप अपनी नीड्स पे, वांट्स पे और इन्वेस्टमेंट्स पे कितना पैसा लगाना चाहते हो। ठीक है, तो 50% से आप अपने खर्चे करो, कोई लोन है तो वो लोन पे ऑफ करो, 30% से आप मजे करो, मूवी देखने जाना है, कुछ महंगा, कुछ कपड़े खरीदना है, जूते खरीदना है, वो करो, और 20% इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो आपका भी यही मानना है कि इन्वेस्टमेंट अपनी कमाई की 20% या एज से, ये दो अलग चीजें हैं। 100 - एज जो है वो बोलता है आपको कहाँ निवेश करना है, 50-30-20 बोलता है आपको कितना निवेश करना है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए एक 18 साल का बच्चा है, रिलेटिवली वो अपना परसेंटेज वाइज वो कम कर सकता है। अगर कोई 35 साल का हो गया है तो उसकी कमाई बहुत बढ़ चुकी होगी रिलेटिवली, और शायद उसके खर्चे भी उतने ज्यादा नहीं होंगे, तो उसका रेशियो बढ़ सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू का। मैं तो ये कहूंगा कि जितना सेव कर सकते हो, जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना अच्छा है। तो मेरे लिए ना ये रूल जो है 50-30-20, ये मिनिमम्स डिफाइन करता है कि मिनिमम 20% तो निवेश करो, उसके ऊपर जितना करोगे उतना अच्छा है, मैक्सिमम वांट्स पे 30% खर्च करो, उससे कम करोगे उतना अच्छा है, मैक्सिमम 50% नीड में करो, उससे कम करोगे उतना अच्छा है। तो ये तो मिनिमम लिमिट डिसाइड करता है, मतलब इस पे ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है। हाँ हाँ, तो मिनिमम लिमिट है, उससे ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छा है। और एज के हिसाब से भी ये चीजें चेंज होती रहेगी, बहुत ज्यादा हो नहीं पाती, क्योंकि जो आप बोले कि जरूर सैलरीज बढ़ती हैं, लेकिन एक इंसान के पास जब उसका 23-24 साल की उम्र में जॉब लगता है, तब जो लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज उसके बाद हमेशा बढ़ती हैं।
घर वालों की उम्मीदें, शादी, फिर बच्चे, तो हमेशा लाइबिलिटीज बढ़ती हैं, तो वो रूल से बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो नहीं पाता। तुम आइडियली यही 20% के अनलेस आपके जैसे उसकी इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए तो वो डाइवर्ट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे पूछ सकते हो या फिर भाई का चैनल चेक कर सकते हो, इन्होंने बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो बना रखे इन्हीं टॉपिक के अराउंड। और थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी साहिल। थैंक यू। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खेर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।